हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो इंडस्ट्रीज होती है, चाहे वो कोई जनरेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी तरह की छोटी बड़ी फैक्ट्री हो, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी इंडस्ट्री के लंबे समय तक चलते रहने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे फ्रेंड्स तीन तरह की होती है। उसमें सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इंडस्ट्री को काफ़ी लंबे समय तक के लिए काम में लेके रहना है और उससे प्रॉफिट कमाना है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये डेली के रूप में की जाती है या वीकली इसके शेड्यूल होते हैं, फोर्टनाइट पे होते हैं, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली होते हैं। इसमें डेली में जो हम होता है अपनी मशीनरीज को, जो अपने सिस्टम है उसको हम चेक करते हैं, विजुअली चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कोई कहीं कोई लीकेज तो नहीं आ रही किसी लुब्रिकेशन में, ग्रीसिंग के पॉइंट में, बैरिंग में, या किस तरह की अबनॉर्मल साउंड ना आ रही हो या वाइब्रेशन हो ना हो। और हम वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन भी लेते रहते हैं मोटर्स की, अलग अलग चीज़ों की, और जो हमें टेम्परेचर स्कैनिंग हमारे पास कैमरेज होते हैं उनसे भी हेल्प कर सकते हैं हम। टेम्परेचर गन्स होती हैं उसकी हेल्प से भी हम ये चेक करते रहते हैं कि कहीं ये ज़्यादा हीटअप तो नहीं हो रहा इक्विपमेंट, और अगर हमें लगता है कि अभी इसको रिपेयर कर सकते हैं हम। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फ़ायदा ही यही होता है फ्रेंड्स कि अगर हम स्टार्टिंग में ही कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं, जैसे हमने देखा कि एक किसी मोटर का जो फ़ैन कवर है वो वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो लूज़ है, अगर हम उसको उसी टाइम उसको हम टाइटिंग कर देंगे उसकी चलते उसमें सिस्टम में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कि अगर वो वाइब्रेट करता हुआ फ़ैन कवर को तोड़ दे और हमारी मोटर को नुकसान पहुंच जाए या पूरा सिस्टम रुक जाए, कोई प्रोडक्शन हाउस है उसकी प्रोडक्शन रुक जाए, उससे बेहतर ये होता है कि हम रूटीन में उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। और हमारे ग्रीसिंग के जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को हम वीकली चेक करते हैं, हर हफ्ते चेक करते हैं, किसी को दो हफ्ते बाद चेक करते हैं, किसी चीज़ को हम मंथली चेक करते हैं, वाइब्रेशंस होगी, अर्थिंग पॉइंट की अर्थिंग हो गई है, उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, क्वार्टरली हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, हाफ ईयरली में हम जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनकी टाइटिंग वगैरह को चेक करते हैं, और ग्रीसिंग जैसे बड़ी मोटर्स हैं उनकी 2000 घंटों की जो उनकी रनिंग टाइम होता है उसके हिसाब से उनकी हमारे पास मेंटेनेंस होती है। कई सारा तरह की मेंटेनेंस होती है जिसको हम जो है टाइम टू टाइम हम इसको हम पहले से ही एक डिफाइन करके रखते हैं, और रूटीन तो हमारा मस्ट है, उसे करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टाइप की हमारे पास मेंटेनेंस होती है ट्रबल शूटिंग या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तो हमें तब करनी पड़ती है जब इंस्टेंटली चलते हुए सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी आ जाए और वो रुक जाए, तो हमें उसके लिए परमिट लेना पड़ता है पहले एक अथॉरिटी से जो उसको कंट्रोल कर रही होती है, ताकि कोई और फर्दर हमारे पास कोई हादसा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले परमिशन ले लें ताकि एक अथॉरिटी को मालूम हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई काम कर रहा है, जिससे कि वहाँ पे किसी भी तरह की जो लाइन है उसको चालू करने से पहले परमिशन ले ली जाए। और उसके बाद परमिशन लेने के बाद हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं, तरह तरह के मीटर्स होते हैं उनसे हम फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज का कुछ इशू होता है या जलने का इशू होता है या बैरिंग की कुछ इशू होता है तो हम उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं और इस फॉल्ट को निकालने के लिए जल्द से जल्द उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो जो कुछ भी हो। तीसरा हमारे पास आता है शटडाउन मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड होते हैं, बहुत पहले से ही इसका प्लान कर रखा होता है। कुछ हमारे पास फैक्ट्रीज़ होती हैं या कुछ थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनकी 2 साल या किसी किसी की 5 साल या किसी की 10 साल बाद हमारे पास मेंटेनेंस होती है, पूरी तरह से ओवरहॉलिंग होती है। टर्बाइन को खोला जाता है, उसकी एक्साइटर्स को खोला जाता है, हमारे पास IDFT फैन की डक्ट्स को खोला जाता है, ESP की पूरी ESP को खोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्पिरेटर को खोला जाता है और उनको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। थोरोली चेक करने के बाद उनमें जो चीज़ें रिप्लेस होनी होती हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि फर्दर जो हमारे पास एक चीज़ को हम रिन्यू कर सकें और वो और लंबे टाइम तक के लिए काम कर सके। फ्रेंड्स, ये तीनों तरह की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती हैं और ये देखने में पढ़ने में आपको छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर इनको अच्छी तरह से कर लिया जाता है तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है, हमारी कंटिन्यूस किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या हमारे पास प्रोडक्शन प्लांट की हमारे पास जो है कंटिन्यू रनिंग हो पाती है, जिससे फ़ायदा ही मिलता है कंटिन्यू रनिंग करने का।
और इससे और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं। हाथ से बच जा कई तरह के हादसों को रोका जा सकता है, जिससे किसी मतलब की ह्यूमन इंजरी भी हो सकती है। और हमने भोपाल कांड के बारे में सुना, जैसे कि अभी साउथ में भी हुआ है, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है, जिसके लिए हमें निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।